एक तो भाई ऋषभ शेट्टी आजकल फुल ऑन इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, और मेरे को लगता था भाई इंटरव्यू देने में भाई पंकज त्रिपाठी, शाहरुख खान साहब, अक्षय कुमार, दे आर वेरी गुड, बट ऋषभ शेट्टी इज कम्प्लीटली डिफरेंट यार। भाई जिन पोजेस के साथ ही आदमी इंटरव्यू देता है देखने में मजा आ जाता है, लेकिन भाई विटी भी बहुत ज्यादा है। आपको पता ही होगा जो हंगामा किया है इन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ, उससे तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे कि ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का कोई मेरा मन नहीं है। और इस बार भाई इन्होंने धर पकड़ा अनन्या पांडे को, क्योंकि अनन्या पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ओ माय गॉड वाड़ा मूवी कंतारा इज सुपर्ब एंड आई एम रेडी टू गिव ऑडिशन फॉर कंतारा 2, इफ ऋषभ इज लिसनिंग तो प्लीज यार लेट हिम नो मैं इस मूवी का पार्ट बनना चाहती हूँ, मैं ऑडिशन देने के लिए भी तैयार हूँ। और यही बात रिपोर्टर ने ऋषभ से पूछी कि भाई अनन्या पांडे इज रेडी टू हैव ऑडिशन फॉर कंतारा 2, तो आप किस पर क्या राय है, क्या आप उनका ऑडिशन लेंगे, और अगर में पास हो जाती है तो क्या आप उनको इस फिल्म का हिस्सा बनाएंगे। तो ऋषभ ने एक बहुत तगड़ी बात कही, उनका कहना था कि आई हैव सीन हर मूवीज, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ ऑडिशंस। और फिर उसके बाद रिपोर्टर ने सोचा कि भाई ये अब हाँ करेंगे कि यार मूवी देख ली ऑडिशन जितने में बुला लूंगा, तो वहां पर उनका कहना था कि देयर इज क्लियर नो, और मैं शायद बुला भी लेता इफ दैट वुड बी मूवी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ मुंबई, लेकिन ये बैकग्राउंड ही कर्नाटका का है एंड आई डोंट थिंक सो इस लेवल की चीजों पर वो ऑडिशन भी क्रैक कर पाएगी जिस तरीके का हमारा मेजरमेंट होता है। तो भाई अब बाकी चीजें तो काफी हाइप कर दी हैं ऋषभ शेट्टी ने, अब देखते हैं इस पर चमकी पांडे जी का क्या रिएक्शन रहता है, पूरी जगन्नाथ साहब का क्या रिएक्शन रहता है, करण जौहर का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू अनन्या पांडे एंड यू नो दे आर लिटिल बिट नोन टू ऋषभ ऑल्सो। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।